जय काशी विश्वनाथ की जय हो। जय भोले बाबा, हर हर महादेव। पंडित जी, हम लोग वेस्ट बंगाल में बहुत तकलीफ़ में हैं। इधर हिंदुओं के ऊपर बहुत टॉर्चर हो रहा है, और कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से हमारा काम काज सब कुछ बंद हो गया है, और हम लोगों का इधर ममता जी सरकार कोई भी हेल्प नहीं किया है। आप अगर थोड़ा काशी में कोई आश्रम देख के, कोई भी मम्मी पापा भैया के लिए कोई व्यवस्था हम चार लोगों के लिए कर दे तो अच्छा है। हम लोग शिव जी की बहुत बड़ा भक्त है, दिखा हुआ है। हम लोग का 10 साल हो गया है, दिखा हो गया है। हम लोग प्याज रसून मांस मछली डीम कुछ अंडा कुछ भी नहीं खाते हैं। हम लोग ज्योतिर्लिंग घूम के आए हैं। फिर इधर वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के ऊपर बहुत टॉर्चर होता है। हम लोग बीजेपी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, तो इधर इधर हम लोगों को कुछ भी लॉकडाउन में राशन पानी कुछ भी नहीं, एक बार देता है और तस्वीर लेके चले जाता है। हम लोग भाड़े के घर में रहते हैं और भाड़े के दुकान में पापा काम करते हैं। हमारा इधर अवस्था बहुत ख़राब है। अगर आप कुछ आप से हाथ जोड़ कर विनती है, आप अगर हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत उपकार होगा आपका। काशी में गोरखपुर में कोई भी आश्रम है जहाँ पे हम सब रह सकते हैं, सेफली सारा जीवन के लिए रह सकते हैं, तो ऐसा व्यवस्था कर दीजिए। हम लोग इधर वेस्ट बंगाल में रहना नहीं चाहता। वेस्ट बंगाल में बहुत हिंदुओं के ऊपर टॉर्चर होता है। वेस्ट बंगाल सब मिनी पाकिस्तान जैसा हो रहा है। इधर हिंदुओं का कोई सम्मान नहीं है। हाँ, तो मैं ग्रेजुएशन हूँ नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी से, हिस्ट्री ऑनर्स लेके मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, और फेस कंप्यूटर स्पोकन इंग्लिश सब कुछ मुझे आता है। हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है। आप अगर हमारे लिए कुछ करेंगे तो बहुत उपकार होगा। भगवान बहुत आपका भला करे। हम लोग विश्वनाथ भोलेनाथ जी को बहुत मानते हैं, काशी भोलेनाथ जी को बहुत मानते हैं। अगर भोलेनाथ जी की दया से आप लोग हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए तो बहुत कृपा होगा। मैं और कुछ नहीं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल आज सांप्रदायिकता की आग में जल रही है। वहां हिंदू समुदाय का जीना मुहाल हो गया है। यह स्थितियाँ अचानक नहीं बनी है, बल्कि सुनियोजित तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज को हाशिए पर धकेला गया है। यह काम पहले कम्युनिस्ट सरकार की सरपरस्ती में संचालित हुआ और अब ममता बनर्जी की सरकार 4 कदम आगे निकल गई है। आज परिणाम यह है कि पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक ही नहीं हुआ है, अभी तो कई क्षेत्र हिंदू विहीन हो चुके हैं। राजनीतिक दलों की देखरेख में बांग्लादेशी मुस्लिमों ने सीमावर्ती हिस्सों में जो घुसपैठ की है, उसके भयावह परिणामों की आहट अब सुनाई देने लगी है। मालदा, उत्तरी परगना, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर जैसे इलाकों में जब चाहे समुदाय विशेष हंगामा खड़ा कर देता है, घर दुकानें जला दी जाती है, थाना फूंकने में भी उग्रवादी भीड़ को हिचक नहीं होती है, दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं को रोक दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की यह स्थिति बताती है कि सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध यह राज्य सांप्रदायिकता एवं तुष्टिकरण की आग में जल रहा है। सांप्रदायिकता की इस आग से अब पश्चिम बंगाल का हिंदू झुलस रहा है। अपने उदारवादी स्वभाव के कारण इस प्रकार के षड्यंत्रों को अनदेखा करने वाले हिंदू समाज का मानस अब बदल रहा है। भविष्य में पश्चिम बंगाल में इस बदलाव के परिणाम दिखाई दे सकते हैं। आप इस संस्मरण से भी समझ सकते हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल का हिंदू जाग रहा है। उसे अपने हित अहित दिखाई देने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से तालिबानी शासन है। वहाँ पर हिंदुओं का
उत्पीड़न जारी है। हिंदुओं को न तो मंदिरों में पूजा करने की आज़ादी है और न ही सार्वजनिक रूप से जय श्री राम बोलने की। 5 अगस्त को जब पूरे विश्व के हिंदू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर उत्साहित थे, वहीं पश्चिम बंगाल की पुलिस लॉकडाउन के बहाने हिंदुओं पर जुल्म ढा रही थी। मंदिर में पूजा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया।